मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर की गई आर्थिक मदद। आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव सत्येंद्र यादव, जिला सचिव नूतन शर्मा, जिला चीफ प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी, प्रवर सभा अध्यक्ष अतुल पारासरी ने 11 ब्राह्मणों परिवारों को जो इस लॉकडाउन में दौरान कठिन परिस्थितियों में आ गए हैं, परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर उन्होंने राशन व आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव सत्येंद्र यादव ने बताया कि पार्टी के नेता बनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर लगातार हम लोग जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मैं नूतन कुमार शर्मा, जिला सचिव हूँ समाजवादी पार्टी में। क्या इस टाइम समाजवादी पार्टी द्वारा जगह जगह कार्य किए जा रहे हैं, गरीबों का उत्थान हो, उनका राशन वितरण हो, इस प्रकार की क्या इसके पीछे उद्देश्य है आपका? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमेशा से विचार रहा गरीबों के प्रति, उनके हमेशा बहुत अच्छे विचार रहे। उन्होंने कहा गरीब कभी भूखा न सोए ना भूखा रोए। तो उनके कहना है कि इस लॉकडाउन में इस समय सबसे ज़्यादा त्रस्त जो व्यक्ति हैं वो गरीब हैं। उन पर कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कि आप लोग, हम लोगों का आदेश हुआ है कि किसी गरीब को भी किसी हालत में भी भूखा नहीं सोना है। तो हमें अपने उनके तरफ से जो आदेश के मुताबिक हमें अपने तरफ से उनके लिए राशन वगैरह की व्यवस्था हम लोग करके दे रहे हैं सभी गरीब। अगर मैं बात करूँ जागरूकता प्रदान करनी, तो किस प्रकार से राशन वगैरह वितरण के अलावा और किस प्रकार से आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को? देखिए, जागरूकता के मामले में यह है कि उन्हें राशन के अलावा उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की बता रहे हैं, उन्हें सैनिटाइजर के बारे में बता रहे हैं, उनसे बता रहे हैं समाज में आप किस हिसाब से दूरी बना के रहिएगा, जिससे ये बीमारी, चूंकि इसका भी कोई इलाज नहीं ढूंढ पाई है प्रशासन ना विश्व में, तो ये चाह रहे हैं कि इससे कोई ना कोई ऐसा, जितने आप सामाजिक दूरी बना के रखते हैं उतनी ही सावधानी हम लोग बरतने से अपने आप को सेफ रखते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सतीन सिंह यादव है, जिला महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी बरेली का। जैसा कि हमने देखा कि आपने राशन वगैरह गरीब व्यक्तियों को जो है वितरण कर रहे हैं आप जगह जगह जा करके, क्या इसके पीछे उद्देश्य और क्या कोई संस्था वगैरह आपकी, किस प्रकार से आप ये कार्य करते हैं? हमारी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर काम कर रही है, और जैसा भी निर्देश हम लोगों को प्राप्त होता है हम लोग वैसा काम करते हैं। आज समाज को जरूरत है हम लोगों की कि हम लोग गरीबों की मदद करें। ऐसे निराश्रित लोग, जो लोग समाज में इस समय जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आज हम मदद करने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। और ये प्रयास हमारा पिछले 30 दिनों से लगातार चल रहा है। आज परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गरीब ब्राह्मण परिवार के जो लोग हैं, जो पुरोहित लोग हैं, जो कहीं ना कहीं मंदिरों में बैठ रहे हैं और किसी वजह से वो आज वो मंदिर नहीं खुल पा रहे हैं, तो उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने आज उनकी मदद करने का आज एक छोटा सा प्रयास किया है। और ये प्रयास आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। साथ में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणाएं की हैं कि गरीबों की हम मदद करेंगे, दिहाड़ी मजदूरों की मदद करेंगे, उसी क्रम में हम चाहते हैं कि जो हमारे पुरोहित लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो अपने पूजा पाठ पर निर्भर रहते हैं और उनका जो जीवन यापन है उसी पर चलता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार कोई ना कोई योजना जल्द से जल्द लागू करे जिससे उन लोगों का भरण पोषण हो सके। गरीब व्यक्तियों को भोजन वगैरह या राशन वगैरह तो वितरण करा ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं जागरूकता की, तो इस पे आपका क्या कहना होगा कि किस प्रकार से आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? लोगों के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें और जो सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए उन निर्देशों का पालन करें। साथ में जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं उनके द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जो हमारी पार्टी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं, गली मोहल्लों में जाकर लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किसी को कोई मदद की आवश्यकता है तो वो मदद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अपना संपर्क बना के रखें और अपने घरों में रहें, और अगर मदद की आवश्यकता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को याद करें, बोलो, उनके घर पर जाकर उनकी मदद करने का काम करें।